नमस्कार, भारत की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल। भारत का हूं, भारत की बात करता हूं। 4 जून को यानी आज से ठीक 43 दिन बाद लोकसभा चुनाव के नतीजे आने हैं, लेकिन उससे पहले पूरा फोकस 26 अप्रैल को होने वाले दूसरे चरण की वोटिंग पर है, जिसके लिए प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री ने एक बयान ने पूरी नई बहस को शुरू कर दिया है। राजस्थान में प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस को 18 साल पुराने बयान की याद दिलाई, तुष्टीकरण का आरोप लगाया और इसके बाद से मंगल सूत्र पर नया सियासी दंगल शुरू हो गया है। आपको इसकी पूरी तस्वीर मैं आज दिखाऊंगा। इसके अलावा यूपी की हाई प्रोफाइल सीट मेरठ की बात होगी, जहां बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे छोटे पर्दे के राम को जीत दिलाने के लिए लक्ष्मण और सीता भी मैदान में आ गए हैं, ये भी आपको बताऊंगा। और साथ ही बात होगी तेजस्वी यादव की, जो पप्पू यादव की पोल खोलने की बात कह रहे हैं। तेजस्वी का कहना है कि उनके पास पप्पू यादव का टेप है, जिसे वो जब चाहे जहां चाहे रिलीज कर सकते हैं। आपको इस टेप की पूरी मिस्ट्री भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की कन्नौज सीट की करेंगे, जहां से अखिलेश यादव ने लालू प्रसाद यादव के दामाद और अपने भतीजे तेज प्रताप यादव को मैदान में उतार कर सबको हैरान कर दिया है। कन्नौज की चुनावी कथा में आई इस दिलचस्प मोड़ के पीछे की वजह क्या है, इस खास रिपोर्ट में देखिए। कन्नौज की चुनावी कहानी में कई ट्विस्ट आए। आखिरी वक्त तक यही चर्चा गर्म रही कि अखिलेश यादव खुद इस सीट से मैदान में उतरेंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया ने कुछ और तय कर रखा था। कन्नौज के सस्पेंस से जब पर्दा उठा तो पर्ची पर तेज प्रताप यादव का नाम लिखा दिखा। समस्त पार्टी नेतृत्व को मैं धन्यवाद दूंगा, जो उन्होंने विश्वास जताया और कन्नौज की सेवा करने का मौका दिया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि कन्नौज के सभी कार्यकर्ताओं नेताओं से जिस तरह की मेहनत वो लगातार कई महीनों से उस क्षेत्र में हो रही है, समाजवादी पार्टी एक बड़ी जीत इस बार कन्नौज लोकसभा से जीतेगी। अटकलें तो यहां से शिवपाल सिंह यादव के भी चुनावी मैदान में उतरने की लगाई जा रही थी, लेकिन ये सब सिर्फ कयास थे। खुद शिवपाल ने भी कहा था कि रणनीति के कुछ राज बाकी हैं। अब ये सस्पेंस खत्म हो चुका है। तेज प्रताप यादव मुलायम सिंह यादव के बड़े भाई रतन सिंह यादव के पोते हैं, रिश्ते में अखिलेश के भतीजे यानी परिवार की तीसरी पीढ़ी से वास्ता रखते हैं। तेज प्रताप लालू यादव के दामाद हैं। लालू की बेटी राजलक्ष्मी से तेज प्रताप की शादी हुई है। वो मैनपुरी से सांसद रह चुके हैं और इस बार कन्नौज में बीजेपी के सुब्रत पाठक के खिलाफ आर पार की जंग लड़ने जा रहे हैं। भले ही अखिलेश ने परिवार के दबदबे वाले सीट से मुलायम फैमिली के ही सदस्य को मैदान में उतारा है, लेकिन लड़ाई आसान नहीं। '99 से 2014 के चुनाव तक कन्नौज से लगातार समाजवादी पार्टी की जीत हुई, लेकिन 2019 में कन्नौज में डिंपल यादव को बीजेपी के सुब्रत पाठक ने करीबी मुकाबले में हरा दिया। इसलिए तेज प्रताप के सामने हारी हुई सीट को दोबारा हासिल करने की चुनौती है, जबकि बीजेपी का दावा है कि अखिलेश का फैमिली फार्मूला अब कन्नौज में नहीं चलने वाला है। कन्नौज से न लड़ना अखिलेश यादव जी का, ये साफ हो गया है कि शायद इस बार के चुनाव में वो मैदान में ही नहीं आएंगे। आदमी खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं रहता है तो उसको डर लगा रहता है कि जनता जो है हमारे साथ कहीं ऐसा ना कर दे जिससे हमारा जो एक गढ़ बना हुआ है खत्म हो जाए। अगर हाल के कुछ महीनों में अखिलेश यादव ने किसी एक लोकसभा क्षेत्र के सबसे ज्यादा दौरे किए थे तो वो कन्नौज की सीट ही थी, इसलिए अखिलेश के यहाँ से चुनाव लड़ने की चर्चा सबसे ज्यादा थी। लेकिन लोकसभा चुनाव की इस जंग में अब अखिलेश यादव कोच और कमांडर की भूमिका में हैं, जिससे बीजेपी उन्हें एक सीट पर घेर न पाए। देखिए, कन्नौज में चौथे दौर में वोटिंग होनी है। यहां की अगर बात करें तो वोटिंग से पहले यानी 13 मई को यहां पर मतदान होगा। अभी चुनाव प्रचार के लिए अखिलेश यादव को काफी वक्त चाहिए। ऐसे में उन्होंने कन्नौज के चक्रव्यूह में उतरने के बजाय यहां सुरक्षित दांव चलना बेहतर समझा। इसके लिए पुराने फॉर्मूले को अपनाया गया।
परिवार के सदस्य को टिकट तो दे दिया गया है, लेकिन इसने बीजेपी को नया मुद्दा भी दे दिया है, क्योंकि कन्नौज से समाजवादी पार्टी ने जब भी उम्मीदवार उतारे हैं, चेहरा हमेशा मुलायम परिवार का रहा है। मुलायम, अखिलेश, डिंपल के बाद अब पार्टी ने तेज प्रताप यादव पर भरोसा जाहिर किया है। खैर, ये तो बात थी कन्नौज की, बढ़ते आगे और अब बिहार की बात करते हैं। बिहार के पूर्णिया के चुनावी मैदान में आंसू अंगारे बन चुके हैं। यहां निर्दलीय मैदान में उतरे पप्पू यादव ने आंसू क्या बहाए, तेजस्वी यादव ने इस पर जमकर चुटकी ले ली। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बाकायदा पप्पू यादव की नकल की, बिना नाम लिए उन्होंने कहा कि इस तरह के दांव से कुछ नहीं होने वाला, बात यहीं खत्म होती तो गनीमत थी। भरे मंच से तेजस्वी ने कहा कि मेरे पास पप्पू यादव की रिकॉर्डिंग है, क्या है पूरा मामला देखिए इस खास रिपोर्ट। तेजस्वी यादव ने पप्पू यादव का नाम नहीं लिया, लेकिन हमले के अंदाज से साफ हो गया कि निशाना किस पर है। गालियों देता है लोग, फिर रोता भी हूँ। गालियों देता हूँ के फिर रोता भी हूँ। हम कुछ नहीं बोल रहे। पप्पू यादव पर तेजस्वी ऐसे तीखे हमले उसी पूर्णिया में कर रहे हैं जहां पप्पू ने आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती को हराने की कसम खा रखी है। तेजस्वी जी को दो बार डिप्टी सीएम रहे, उन्हें ये बताना चाहिए तो उन्होंने पूर्णिया मधेपुरा के लिए क्या किया, सुपौल के लिए क्या किया, उनकी कोई एक योगदान है या नहीं डेवलपमेंट। पप्पू यहां से निर्दलीय मैदान में है और आरजेडी की चुनौती बढ़ा रहे। वोटिंग 26 अप्रैल को है और उससे पहले तेजस्वी ने पप्पू पर तूफानी हमले की बौछार कर दी है। हम बताने जा रहे हैं कि बीजेपी वाला हमको कितना तंग कर रहा है। कभी भी लालू जी मेरे आंख से आंसू थे, लेकिन टिकट नहीं मिला। अरे मेरा पार्टी का, हम अपना पार्टी का टिकट बांटेंगे, आपका पार्टी का लड़ते अपना पार्टी से, क्या ना कांग्रेस में गए दिया तो। आरजेडी ने पूर्णिया सीट को सीधे सीधे प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है। तेजस्वी यहां लगातार कैंप कर रहे, धुआंधार जनसभाएं कर रहे हैं और हर जगह वोटरों को पप्पू से बचकर रहने की नसीहत दे रहे। बाबा करोड़ टिकट नहीं मिला, हमको नहीं मिला तो ये नहीं मिला वो नहीं मिला। अरे भाई, आपको आपकी चिंता है, हमको अपने मुल्क की चिंता है। पूर्णिया की जंग जुबानी हमले से होते हुए साजिश वाले कथित टेप तक पहुंच गई है। तेजस्वी ने भरे मन से सावधान करते हुए कहा कि पप्पू की सच्चाई एक रिकॉर्डिंग में कैद है और ज्यादा फोर्स किया तो सब सामने ला देंगे। वो तो कुछ भी बोलेंगे बाबा, लेकिन हम तो उनको पहचानते थे, कैसे आदमी तो रिकॉर्डिंग तो रखना करते हैं, लेकिन ये सब हल्का काम हम नहीं करते, हल्का काम नहीं करते, ज्यादा हो जाएगा तो क्या करेंगे, अगर फोर्स करेंगे सब निकल जाएगा, क्या क्या डील करना चाह रहे थे, क्या क्या साजिश थी, क्या क्या बाप। इधर तेजस्वी ने पूर्णिया में कैंप कर रखा है तो उधर सारण में लालू यादव बेटी रोहिणी को जिताने के लिए यहां पर जमे हैं। आरजेडी कार्यकर्ताओं में वो जोश भर रहे हैं जिससे यहां की जंग दिलचस्प हो चुकी है। अगर बेरोजगारी खत्म हो जाता है मेरे परिवार को, मेरी बहन बेटियों को, चाहे मुझे गाली दे करके, तो आप डेली भर भर झोली दीजिए हमको गाली, लेकिन देश से बेरोजगारी मिटाइए, भ्रष्टाचार मिटाइए, बलात्कारियों को बाहर कीजिए। जो प्रत्याशी जिनके बारे में आप नाम ले रहे हैं, अगर वो उनकी बेटी नहीं होती तो एक आदमी भी उनको पहचानता। सारण में पांचवे दौर में 20 मई को वोटिंग होनी है, यानी अभी प्रचार की रफ्तार और भी तेज होने वाली है। देखिए, तेजस्वी यादव ने पप्पू यादव पर जो कुछ भी कहा वो सारे गुना भाग के बाद कहा। पप्पू पर सीधा हमला सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। इसका मकसद पप्पू की वजह से आरजेडी और कांग्रेस के चुनावी समीकरण को बिगाड़ने से बचाना है। दरअसल पप्पू की वजह से आरजेडी के लिए सबसे बड़ा खतरा मुस्लिम यादव वोट बैंक में बिखराव का है, क्योंकि पप्पू यादव और आरजेडी का वोट बैंक एक जैसा है। पूर्णिया में करीब 5 लाख मुस्लिम और 1.5 लाख यादव वोटर हैं। पप्पू यादव की इन दोनों समुदाय के वोटरों में मजबूत पकड़ है। यही वजह है कि तेजस्वी यादव ने पप्पू को अब
एनडीए का एजेंट कहना शुरू कर दिया है और वो दो टूक कह रहे हैं कि पप्पू यादव को वोट देने का मतलब है एनडीए को जानबूझकर जिताना। तेजस्वी को यकीन है कि जब उनके पुराने समर्थकों के सामने लालू यादव की पार्टी और पप्पू यादव में से किसी एक को चुनने की नौबत आएगी तो वो लालू को चुनेंगे। खैर, ये बात बिहार की। अब बढ़ते आगे दिल्ली की तरफ। जी हां, दिल्ली की सियासत का ब्लड शुगर लेवल अब घटने लगा है। मैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सेहत को लेकर लगाए गए आम आदमी पार्टी के आरोपों की बात कर रहा हूं, जिसकी गर्माहट कम होने वाली है। इसकी वजह कोर्ट का फैसला है। आज राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर बड़ा निर्णय सुनाया। केजरीवाल ने इंसुलिन के साथ ही निजी डॉक्टर से वर्चुअल चेकअप की मांग की थी। हर मांग पर कोर्ट ने दो टूक फैसला दिया। इसी बीच केजरीवाल का एक कथित लेटर सुर्खियों में। अरविंद केजरीवाल जी अपने डॉक्टर से बात ना कर सके, इसके लिए पूरा षड्यंत्र रच रहा है। 12 साल से इंसुलिन ले रहे हैं लेकिन जेल में इंसुलिन नहीं देंगे। मारना चाहते हैं ये लोग दिल्ली के मुख्यमंत्री को। अरविंद केजरीवाल के जैसे शुगर लेवल पर देश से लेकर दिल्ली के मोहल्ले तक एक महीने से हल्ला मचा रहा। इंसुलिन की जिस डिमांड को बेस बनाकर आम आदमी पार्टी पिछले एक महीने से बीजेपी पर केजरीवाल की हत्या की साजिश के इल्जाम लगाती रही, दिल्ली की अदालत ने एक आदेश से उस पर अब पूर्ण विराम लगा दिया है। जेल अथॉरिटी एम्स के सीनियर डायबिटोलॉजिस्ट के साथ मिलकर एक बोर्ड का गठन करेगी और वो बोर्ड अपनी रिपोर्ट में बताएगी कि क्या अरविंद केजरीवाल जी को अभी इंसुलिन की जरूरत है या नहीं है। दिल्ली की अदालत से मिली निराशा के बाद केजरीवाल शांत बैठ जाएंगे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि उनकी सेहत की बिना पर आम आदमी पार्टी लगातार हमलावर रही है। 21 मार्च से जारी इन हमलों की जद में बीजेपी भी है और वो तिहाड़ प्रशासन भी है, जिसकी कमान दिल्ली सरकार खुद संभालती है। हत्या की साजिश बंद करो, बंद करो, बंद करो। तिहाड़ प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वो कोर्ट में खड़े हुए, कहा कि हमने एम्स से कंसल्ट किया है, लेकिन उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को एम्स के किसी भी डायबिटोलॉजिस्ट को नहीं दिखाया। भारतीय जनता पार्टी की ईडी और भारतीय जनता पार्टी का तिहाड़ प्रशासन कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। अरविंद केजरीवाल जी अपने डॉक्टर से बात ना कर सके, अरविंद केजरीवाल जी को इंसुलिन ना मिल सके, इसके लिए पूरा षड्यंत्र रच रहा है। अरविंद जिस वक्त दिल्ली की मंत्री आतिशी बयान दे रही थी, उसी वक्त तिहाड़ जेल प्रशासन के नाम लिखी केजरीवाल के कथित चिट्ठी का मजमून भी सामने आ गया। सूत्रों के मुताबिक इस चिट्ठी में केजरीवाल ने लिखा, मैंने अखबार में तिहाड़ जेल प्रशासन का बयान पढ़ा, जिसे पढ़कर बहुत दुख हुआ। तिहाड़ के दोनों बयान झूठे हैं। मैं रोज इंसुलिन मांग रहा हूँ। मैंने ग्लूकोमीटर की रीडिंग दिखाई, उन्हें बताया भी कि दिन में 3 बार शुगर बहुत हाई हो रही है। एम्स के डॉक्टरों ने मुझसे कभी नहीं कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, बल्कि उन्होंने कहा है कि वो डेटा और हिस्ट्री देखकर बताएंगे। तिहाड़ प्रशासन राजनीतिक दबाव में झूठ बोल रहा है। ये नौटंकी क्यों की जा रही है? अब बीजेपी आरोप लगा रही कि केजरीवाल ब्लड शुगर के नाम पर नौटंकी कर रहे हैं। दिल्ली के तिहाड़ जेल के सुपरिटेंडेंट को चिट्ठी लिखकर कहा है कि मुझे इंसुलिन दो। ये नौटंकी क्यों की जा रही है? क्योंकि दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी के लोग वोटें मांगने जा रहे हैं तो पब्लिक उनको दौड़ा रही है, कह रही है तुमने हमारे बच्चों को शराब परोसी है, अरविंद केजरीवाल जी ने हमारे बच्चों को नशा देके पैसे बनाए हैं। आम आदमी पार्टी, अरविंद तुम संघर्ष करो। 21 मार्च के बाद से ऐसा कोई दिन नहीं गुजरा जब केजरीवाल के साथियों ने ये मुद्दा न उठाया हो, लेकिन अदालत के फैसले के बाद इस मामले में अब नया मोड़ आ गया है। और मामले में आए इस नए मोड़ के बाद केजरीवाल और उनकी पार्टी को भी नई रणनीति बनानी होगी, क्योंकि केजरीवाल ने 21 अप्रैल को दी गई अपनी अर्जी में जो डिमांड रखी थी, दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में उन्हें खारिज कर दिया गया। केजरीवाल की डिमांड क्या थी और उस पर कोर्ट ने क्या कुछ कहा, यह मैं आपको सारी बातें बारी बारी से दिखाता हूं। देखिए, अरविंद केजरीवाल ने
बढ़े ब्लड शुगर लेवल का हवाला देकर इंसुलिन दिए जाने की मांग की थी। इस पर कोर्ट ने कहा कि इंसुलिन पर एम्स के डॉक्टर्स का पैनल यह फैसला लेगा। केजरीवाल ने मांग की थी कि पत्नी की मौजूदगी में उन्हें डॉक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नियमित तौर पर 15 मिनट की मुलाकात की इजाजत दी जाए। कोर्ट ने प्राइवेट डॉक्टर से कंसल्टेशन की इजाजत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल के इलाज के लिए एम्स के डॉक्टर्स का पैनल बनेगा। अदालत ने अपने फैसले में और भी कई महत्वपूर्ण आदेश दिए हैं, कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां की हैं, आपको उनके बारे में भी बता देता हूं। अदालत ने अपने फैसले में केजरीवाल के खान पान पर भी सवाल उठाए। अदालत ने कहा कि केजरीवाल को घर से जो खाना भेजा जा रहा था उसमें डॉक्टरी सलाह की अनदेखी की जा रही है। डॉक्टर्स ने उनका जो डाइट चार्ट बनाया था उसमें आलू, अरबी या फिर आम का जिक्र नहीं था, फिर भी घर से भेजे गए खाने में उन्हें यह सब दिया गया। कोर्ट ने यह भी कहा कि केजरीवाल की डॉक्टरी सलाह के मुताबिक खाना क्यों नहीं भेजा जा रहा था, यह समझना मुश्किल है। कोर्ट ने यह भी कहा कि फिलहाल केजरीवाल को उनके घर का बना खाना मिलता रहेगा, लेकिन यह डाइट चार्ट के मुताबिक होना चाहिए। इसके अलावा अदालत ने जेल प्रशासन को भी निर्देश जारी किया है, इसके मुताबिक जेल में केजरीवाल की सेहत का पूरा ख्याल रखना तिहाड़ जेल प्रशासन की जिम्मेदारी होगी और जेल प्रशासन हर 15 दिन पर केजरीवाल की हेल्थ रिपोर्ट अदालत को देगा। ये तमाम बातें कही गई है। देखिए, दिन भले ही आज सोमवार का हो लेकिन चुनावी मैदान में पूरे दिन मंगल की चर्चा रही। कल प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए मंगल सूत्र शब्द का इस्तेमाल किया था, यह चुनावी वार पलटवार की धुरी बन गया। इंडिया गठबंधन का आरोप है कि बीजेपी सांप्रदायिक सियासत कर रही है, तो बीजेपी ने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने के लिए सालों पुराना पन्ना पलट दिया। इस पन्ने पर डॉक्टर मनमोहन सिंह का एक बयान दर्ज है। ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगल सूत्र भी बचने नहीं देंगे। मंगलसूत्र कोविड के दौरान छिने थे। नफरत के घोड़े का दूल्हा बनकर आप कभी हिंदुस्तान को बरकरार नहीं रख सकते। प्रधानमंत्री का हाथ माता बहनों के मंगलसूत्र तक जाता है। विकास के वादों और दावों से शुरू हुए चुनाव में मुस्लिम तुष्टीकरण का मुद्दा तो पहला चरण पूरा होने से पहले छू लिया था। अब बहस के केंद्र में मंगलसूत्र है, जिसमें वोट वाली सियासत सफलता के सूत्र तलाश रही है। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगल सूत्र भी बचने नहीं देंगे। प्रधानमंत्री ने हमला किया तो पलटवार भी हुआ, किसने क्या कहा सब दिखाएंगे, लेकिन पहले आपको दो बयान दिखाते हैं। एक बयान है मनमोहन सिंह का, जो उन्होंने 18 साल पहले तब दिया था जब वो प्रधानमंत्री थे। दूसरा बयान है कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का। हम फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे और इस ऐतिहासिक कदम के बाद हम क्रांतिकारी काम शुरू करेंगे। जो आपका हक बनता है वो हम आपके लिए आपको देने का काम करेंगे। सियासत का दस्तूर यही है कि नेता अपने मतलब की चीज निकाल लेते हैं। बीजेपी ने मनमोहन सिंह के बयान के एक हिस्से और राहुल गांधी के बयान को आधार बनाकर कांग्रेस के मैनिफेस्टो की व्याख्या कर दी। इसके बाद पलटवार के लिए इंडिया ब्लॉक की सारी पार्टियां और उनका साथ देने वाले एक साथ सामने आ गए। मंगलसूत्र कोविड के दौरान छिने थे, माफी मांगी प्रधानमंत्री ने देश की बहुओं से, बेटियों से, बहनों से। हमारे मैनिफेस्टो में कहीं हिंदू मुस्लिम का जिक्र हो तो या तो हम राजनीति छोड़ देंगे और अगर जिक्र नहीं हो तो ये राजनीति छोड़ दें। ये किस किस्म की राजनीति है और किस किस्म की संस्कृति है? एक तरफ तो आप राम मंदिर की बात करते हो और दूसरी तरफ नफरत फैलाते हो। कहाँ गया आपका सबका साथ? नफरत के घोड़े का दूल्हा बनकर आप कभी हिंदुस्तान को बरकरार नहीं रख सकते। लेकिन प्रधानमंत्री का हाथ
माता बहनों के मंगलसूत्र तक जाता है। आप ये नहीं दिखता है क्या इलेक्शन कमीशन को? कांग्रेस और उसके साथी बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी मंगलसूत्र और तुष्टिकरण वाला मुद्दा छोड़ने को तैयार नहीं। गृह मंत्री अमित शाह का कांकेर में दिया गया ये बयान सुन। अभी अभी कांग्रेस पार्टी को मिर्ची लगी। आपके घोषणा पत्र में सर्वे की बात है या नहीं है? और मनमोहन सिंह, आपके प्रधानमंत्री ने कहा था संसाधन पर पहला अधिकार माइनॉरिटी का है, आदिवासी दलित का नहीं है। एक तीर से दो निशाने की बात तो आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन बीजेपी एक तीर से तीन निशाने साध रही है। वो तुष्टिकरण पर कांग्रेस को घेर रही है, दलितों और आदिवासियों को साध रही है और लगे हाथ पसमांदा की बात भी कर रही है। कांग्रेस सपा जैसी पार्टियों ने हमेशा तुष्टिकरण की राजनीति की और मुसलमानों के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक उत्थान के लिए कभी कुछ नहीं किया। कांग्रेस और उसकी ज्यादातर सहयोगी पार्टियों के लिए मुस्लिम वोट बैंक बड़ा मुद्दा है, लेकिन इस तबके में 80% वो पसमांदा यानी वंचित मुसलमान भी शामिल है जिन्हें बीजेपी साथ लेकर चलने की कोशिश करती है। बीजेपी की यही रणनीति विपक्ष को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। कहते हैं कि प्यार और जंग में सब कुछ जायज होता है। 2024 का लोकसभा चुनाव उसी लीक पर आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। एक तरफ बीजेपी अपनी सरकार की उपलब्धियां गिना रही है, हर मंच से वायदों का कामकाज का हिसाब दिया जा रहा है, तो इसके साथ ही इमोशनल कार्ड भी जमकर चला जा रहा है। बीजेपी ने चुनाव से पहले तुष्टिकरण का मुद्दा गरमाया, पहले दौर के चुनावी प्रचार में विपक्ष पर हिंदू आस्था के अनादर के आरोप लगाए। इसके लिए राम मंदिर का मुद्दा फोकस में रहा। बीजेपी ने इंडिया गठबंधन के नेताओं पर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से दूर रहने का लेकर जमकर निशाना भी साधा। अब दूसरे दौर में मंगलसूत्र की एंट्री हो चुकी है और कैसे एंट्री हुए ये भी आपने देखा और सुना। माना जा रहा है कि चुनाव के हर फेज में ऐसे नए शब्दों की एंट्री हो सकती है ताकि चुनाव को नई धार दी जा सके। देखिए, सियासत की हर जंग इन दिनों छोटे पर्दे पर लड़ी जा रही है। इसमें छोटे पर्दे के सितारों की अपनी खास भूमिका है, लेकिन चुनावी मैदान में भी इनकी कम चर्चा नहीं है। रामायण सीरियल में भगवान राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल इन दिनों मेरठ से चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी उम्मीदवार के रूप में वो दिन रात एक कर रहे हैं। आज उनके प्रचार के लिए छोटे पर्दे की सीता और लक्ष्मण जमकर मेहनत करते नजर आए। दीपिका चिलखिया ने रामायण सीरियल में सीता और सुनील लहरी ने लक्ष्मण की भूमिका निभाई थी। दोनों ने यहां पर आज रोड शो किया मेरठ में। चुनावी युद्ध में छोटे पर्दे के राम की जीत के लिए सीता और लक्ष्मण भी प्रचार के मैदान में उतर आए। मेरठ से बीजेपी ने रामायण सीरियल में भगवान राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल को मैदान में उतारा है। अब गोविल के समर्थन में सीता की भूमिका के लिए प्रसिद्ध दीपिका चिखलिया और लक्ष्मण की भूमिका निभाने वाले सुनील लहरी ने मेरठ में लंबा रोड शो किया। इस दौरान जगह जगह इन पर फूल बरसाए गए। जब बीजेपी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को बड़े मुद्दे के रूप में पेश कर रही है, ऐसे में मेरठ के इस चुनावी संपूर्ण रामायण ने सबका ध्यान खींचा। चुनाव की तारीख नजदीक है, फिर क्या लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत रिलैक्स है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं कोई चिंता वाली बात नहीं, कुछ नहीं, कोई टेंशन नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, मैं तो आराम से एंजॉय कर रहा हूं। दीपिका का राजनीति से पुराना नाता रहा है। 1991 में उन्होंने बीजेपी के टिकट पर गुजरात के बड़ौदा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था और जीत दर्ज की थी। जो फर्ज लक्ष्मण ने राम के लिए सीरियल में रामायण में निभाया था, वही रिश्ता मैं निजी जीवन में उनके साथ देखता हूँ। तो जहाँ पे राम है वहाँ लक्ष्मण है, मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुमत से जीतेंगे। राम लल्ला अयोध्या आ गए हैं और अरुण गोविल मीरठ आ गए हैं। अरुण गोविल जिन्होंने राम की भूमिका निभाई है, अगर उनको हिंदुस्तान में दिक्कत होगी तो सनातनियों के लिए शर्म की बात है। मुझे लगता है बहुमती से जीतेंगे। मेरठ में अरुण गोविल की टक्कर एसपी कांग्रेस के उम्मीदवार सुनीता वर्मा से है। यहां प्रचार आखिरी दौर में चल रहा है। 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे
यही वजह है कि बीजेपी मतदाताओं को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीएम योगी आदित्यनाथ के दो बयान आज चर्चा में रहे। सीएम फतेहपुर सीकरी में थे, यहां उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान विपक्ष पर सबसे तीखा हमला बोला। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की कि वो 5 साल के लिए विरोधी दलों की छुट्टी कर दें, जिससे वो माफिया की कब्र पर फातिहा पढ़ सके। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर राम और कृष्ण के अपमान का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसा करने वालों को जनता इस बार वोट के लिए तरसा देगी। सभी लोग माफिया की कब्र में जाकर के फतिया पढ़ रहे हैं। इनको बोलो, इनको बोल दीजिए ये चुनाव से अच्छा वक्त नहीं। इनको बोलो कि जाओ, वोट तो कमल निशान को जाएगा, तुम लोगों को 5 साल की छुट्टी दे रहे हैं, फतिया पढ़ो खूब। अगर आप विरासत का सम्मान करते हैं तो जिन लोगों ने राम और कृष्ण पर प्रश्न खड़े किए थे, आज उनको वोट के लिए तरसा दीजिए, एक भी वोट नहीं मिलेगा उनको। ABP News आपको रखे आगे।